अगर आप भी इस नवरात्रि वही आलू साबूदाना वड़ा साबूदाने की खिचड़ी खा के हो गए हैं बोर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हे माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी। अच्छा, उपवास के दिनों में हम सभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो कि है चटपटी चाट। नॉर्मल डेज में तो हम इसको बाहर से खा लेते हैं या फिर बना के घर पे खाते हैं, पर होता ये है कि जब हमारा व्रत होता है, उपवास होता है, तो हम ये सब चाट नहीं बना के खा सकते हैं और समस्या ये हो जाती है कि वो स्वाद भी नहीं आता। तो बस आज की मैं इसी समस्या का समाधान लेके आई हूँ। मैं फटाफट आपको बताऊँगी कि चटपटी चाट, ठेले वाली चाट किस तरह से हम बना सकते हैं, वो भी व्रत के सामान के साथ में, जो कि बहुत ही बेसिक मसालों के साथ में। इसमें मसाले नाम मात्र के पड़ने वाले हैं और स्वाद स्वाद तो आपको इतना ज़्यादा मज़ेदार इसका लगने वाला है कि आप ठेले की नॉर्मल चाट भूल जाने वाले हैं। और सच कहूँ तो इसको बनाने में सिर्फ आपको 10 मिनट का समय लगेगा। अगर आपके पास में आलू बॉयल हैं, सारे मसाले आपके पास साथ में हैं, तो सिर्फ आपको इसको तैयार करने में 10 मिनट के ऊपर का बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। तो चलिए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। और एक बात और, वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं जो कि आपको इस टिक्की को बनाने में मदद करेंगी। चलिए कुछ मसाले देख लेते हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत है। इसके लिए मैंने सबसे पहले पीस रखा है काली मिर्च का पाउडर। इसको बिना रोस्ट किए हुए सिर्फ इसका पाउडर मैंने बना लिया था। और मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच जो मूंगफली के दाने होते हैं उसको पहले रोस्ट कर लिया, फिर उसको आराम से मैंने मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद में ये है हमारा फिटा हुआ दही। इस दही को मैंने इसमें हल्का सा थोड़ा आधा चम्मच करीब चीनी मिक्स करके मैंने इसको मिक्सी में फेंट लिया, जिससे ये काफ़ी क्रीमी हो चुका है, क्योंकि चाट वाली जो दही होती है ना काफ़ी क्रीमी होती है, तो वो भी इसी तरह से इसको बना के तैयार करते हैं। और इसी के साथ में मैंने ली हुई है हरी धनिया और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3 बड़े चम्मच इसका आटा, कुट्टू का आटा। आप चाहें तो सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं या समाकर चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले हम चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे हरी धनिया ली है और 1 मिर्च के टुकड़े को 2 पीस में कट कर लिया है, और साथ में 1 इंच अदरक को। साथ ही में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 1 बड़ा चम्मच व्रत वाला नमक। ये नमक थोड़ा सा लाइट होता है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में इसको डालना पड़ता है। ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसके बाद में बारी आती है टिक्की को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सामान की, जो है उबले हुए आलू। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया है और सभी उबले हुए आलू को इस तरह से इसमें डाल दिया है। फिर उसके बाद में इन आलुओं को हमें करना है मैश। और इसके लिए मैंने एक स्पून की हेल्प से, क्योंकि आलू हमारे थोड़े से गर्म हैं, तो मैंने सोचा इसको पहले स्पून से इस तरह से कट कर लूँ, उसके बाद में इसको अच्छे से मैश करते हैं। जब मेरे आलू थोड़े से नॉर्मल हो गए तो मैंने फटाफट इनको मैश कर लिया। इनको अच्छे से मैश करना बहुत ज़रूरी है, आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाला काली मिर्च का पाउडर और साथ में मैंने यहाँ पे इसमें डाला हुआ है भुने जीरे का पाउडर। इसको जीरे को पहले तवे पर आप हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद में पाउडर बना लें। साथ में मैंने इसमें डाल दिया अदरक, जो कि हमने पहले से ही क्रश करके रखी हुई थी। और उसी के साथ में मैंने इसमें यहाँ पर डाला हुआ है हरा धनिया। हरा धनिया आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। और साथ में मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच लिया हुआ है भुने हुए मूंगफली के दाने का पाउडर। सॉरी, बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, उसको आप लोग अवॉइड करिएगा। चलिए उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाला हुआ है 3 बड़े चम्मच सिंघाड़े का आटा। आप चाहें तो यहाँ पर कुट्टू का आटा ले लें, या फिर आप सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं, या फिर आप साबुदाने को हल्का सा पीस के उसका आटा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें अच्छे से डालने के बाद में इन सबको अच्छे से हमें करना है मिक्स। अच्छा, जो नॉर्मल टिक्की बनती है या बिना व्रत वाली जो टिक्की बनती है, उसमें हम 2-4 मसाले और इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आज हम व्रत वाली चाट बना रहे हैं, तो इसमें हमने बस वही मसाले ऐड किए हैं जो व्रत में खाए जाते हैं। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग व्रत में रेड मिर्च पाउडर खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। अगर जो लोग खाते हैं तो इसमें ऐड कर लें, जो लोग नहीं खाते हैं वो ग्रीन वाली मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल बनाने की कोशिश की है।
अच्छा, इस मिक्स में हमने जो मूंगफली के दाने का पाउडर डाला हुआ है ना, वो इसमें इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ में इतना ज़्यादा इसमें एक क्रंचपन आ जाएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे, तो उसकी वजह से एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, कलर भी आएगा और साथ में एक बहुत मस्त क्रंच आ जाएगा, जिससे कि आप जब इसको खाएंगे तो आप बिल्कुल भी ये नहीं पता लगा पाएंगे कि आपने इसको बिना किसी भी चावल के आटे से तैयार किया है। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा इसको बांध के देखा हुआ, तो बांधने में मुझे थोड़ी सी इसमें परेशानी हो रही, तो मैंने थोड़ा सा इसमें और आटा मिक्स कर दिया है और साथ में मैंने थोड़े से मूंगफली के जो पाउडर था वो जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच लिया हुआ है सेंधा नमक और इन सभी चीज़ों को मैंने कर दिया है अच्छे से मिक्स। चलिए एक बार हम इसको और ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए, हाथों से गोल करने से ये अच्छी तरह से बन रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्स पूरी तरीके से रेडी है। उसके बाद में हाथ को क्लीन करके फिर इस पर थोड़ा सा हाथों पे लगाना है घी। घी लगाने से क्या होगा ना, हमारा मिक्स हाथों में चिपकेगा नहीं, बहुत आराम से हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो व्रत होता है उसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। उस तरह उसके बाद में थोड़ा सा मिक्स लेके, हमने थोड़ा सा मिक्स इसमें ज़्यादा लिया है क्योंकि जो चाट वाली टिक्की होती है काफ़ी हैवी सी होती है, मोटी मोटी सी बनती हैं, और जब हम इसको ज़्यादा मिक्स को इस तरह से रोल करेंगे टिक्की की शेप में बनाएंगे तो इसका क्रंच थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आएगा और बिल्कुल ठेले वाली टिक्की वाला टेस्ट आएगा, इसलिए आप मिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें। और चारों तरफ से इसको बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है, बस इतना फ्लैट करना है कि इसको रोल करने के बाद में हल्का सा प्रेस कर दें। अगर हाथों में आपके थोड़ा सा चिपक रहा है तो साइड में रखा हुआ जो भी आपके पास में आटा है, साबुदाने का या कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा, थोड़ा सा आप इस तरह से इसको लगा दें ताकि ये हमारी टिक्कियाँ चिपकेंगी नहीं, और साथ में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें आटे की अच्छी सी कोटिंग होने की वजह से इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, इसलिए आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। इसी तरह से मैंने सभी मिक्स की टिक्कियाँ बना के अच्छे से तैयार कर ली हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करें, उसके बाद में मैंने यहाँ पे नॉर्मल तावा नहीं लिया है, नॉन स्टिक नहीं लिया है, इस तरह से थोड़ा सा गहरा तावा लिया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे ऑयल या घी अपना डालेंगे फ्राई होने के लिए तो हमारी टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई होंगी, चारों तरफ से सिक जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गहरा वाला तवा लिया है। अगर आपके पास में घर में इस तरह से तवा हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप नॉन स्टिक वाले में भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा घी जब अच्छे से गर्म हो गया उसके बाद में मैंने इसमें डाली है टिक्की और इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से बीच में कर दिया है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, देख रहे हैं आप हमारी टिक्की कितनी ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो रही है, और इस टाइम पे गैस की फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, ज़्यादा लो या हाई मत करें। ये देखिए, एक साइड से हमारी जो टिक्की है अच्छे से फ्राई हो गई है, और मैं इसको आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, हल्का सा नीचे से चिपक रही है लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए, हमारी टिक्की लग रही है ना एकदम जैसे होटल में या जो ठेले पे जो बनाते हैं एकदम ब्रेड रेड सी क्रंची सी, बिल्कुल वैसी ही फ्राई हुई है ये। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से सिकने के बाद में मैंने एक करछे की हेल्प से इसको ऊपर निकाल लिया है, और मैं चारों तरफ से आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है, और ये किधर से भी कच्ची नहीं है, आराम से पक चुकी है, और आपने इसकी क्रंच की आवाज़ सुनी। आप करते हैं इसकी हम प्लेटिंग। इसके लिए मैंने तीन टिक्कियाँ बनाई। इसके बाद में हमने इसमें डाला हुआ अपना मीठा दही। अच्छा, अगर आप मीठा दही नहीं पसंद करते हैं तो आप नॉर्मल दही को भी फेंट सकते हैं बिना चीनी के। ये देखिए, तीनों टिक्कियों पे इस तरह से हमने दही को डाल दिया। इसके बाद में हम डालेंगे इस पर अपनी ग्रीन तैयार की हुई चटनी। अच्छा, आप चाहें तो एक और चटनी इसमें ऐड कर सकते हैं, इमली की खट्टी मीठी चटनी, लेकिन मैं व्रत में इमली की चटनी नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। अगर आप लोग खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही में मैंने इसमें थोड़ा सा डाला हुआ है ऊपर से चुटकी भर भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, सेंधा नमक जो कि हम व्रत में खाते हैं, और इसको मैंने गार्निश किया है हरी धनिया के साथ में। ये देखिए, हमारी व्रत वाली टिक्कियाँ एकदम बनके हैं तैयार। कोई देख के ये बता सकता है कि ये व्रत वाली टिक्की है? बिल्कुल भी नहीं बता सकता। कितनी ज़्यादा ये टेस्टी, लजीज और क्रंची लग रही है, जब आप इसको बना के खाएंगे आपको तभी पता चलेगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी की।